कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे, तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, यू नो डजेंट मैटर। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। Well, I would like to keep it very simple. I play cricket and all my devotion is towards cricket. You know, I know one thing, whatever is around me is because of cricket. You know, you have to be honest in life. You have to be honest to yourself. You have to be practical. You have to take risk in life, but at the same time, you have to be calculated. You can't just say, okay, I took a risky option at some point of time. You have to be ready for the kind of talent that's really needed to. The kind of person I am, you know, throughout my life, I've never tried to change myself. I've always kept it simple. Devote yourself to something and then, you know, be focused on that. So I think it's the ethics and the principles that really matter in life, and I've kept it really simple, so that has really helped. I feel cricket is, it's a great leveler. You know, it levels you out. You know, if you're not humble, it teaches you how to be humble. Cricket एक ऐसा गेम है जो flip of coin से start होता है. You know, toss के ही वक्त पैसा ऊपर जाता है. You don't know head आएगा, tail आएगा. Cricket देखा गया एक ऐसा गेम है जब आप खराब form से गुजर रहे होते हैं तो 90% of the time जो opposition का सबसे strong bowler होता है वही आपको bowling कर रहा होता है, और जो सबसे खराब फील्डर होता है वही आपका डाइव मार के एक हाथ से कैच पकड़ता है। I'm someone who keeps talking about being in the present, and it's not something that I keep saying, you know, it's something that I truly believe in. And I feel it's always important to be in the present, focus in the present, because what I'm doing in the present will have an impact on the future, and I don't know where I will be in the next 5 years. So to predict about something that's 9 years down the line, you know, it's very difficult. A bit of advice here and there, because I've seen life more than you. I feel a lot of time you think, you know, it's too tough on you and 24 hours is not really enough. But I feel if you have good time management, you know, 24 hours is a lot. जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। आई थिंक इंडिया ए का जो मैं टूर मैंने कंप्लीट किया, मैंने परफॉर्म अच्छा किया था, उस समय मुझे पता चला कि मैं इंडिया के लिए अब खेलने वाला हूं, चाहे आज खेलूं, 6 महीने बाद खेलूं या 3 महीने बाद खेलूं। तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया खेला था कि मुझे ये अचीव करना है, यू नो, ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन होना चाहिए। स्कूल से ही जब हम क्रिकेट खेलते थे या जब हम पार्क में क्रिकेट खेलते थे, हमारा एक ही मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है। यू नो, जितने भी दूसरी अच्छी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हमें मैच जीतना है। सो दैट इज द पर्पस। यू नो, माइलस्टोन से अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो मुश्किल हो जाएगा। यू नो, माइकल फेल्प्स के नाम बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड हैं, वो तो फिर 5 के बाद ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए था। यू नो, सो इट्स नॉट अबाउट माइलस्टोन, व्हाट इट्स अबाउट इज यू नो हाउ मच यू कैन कंट्रीब्यूट, हाउ गुड यू आर, एंड देन यू टेक इट फॉर। नहीं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं रिजल्ट के बारे में ना सोचूं। मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो प्रोसेस है हमारा, यू नो, लेट से हमने एक आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारा टारगेट है। सो एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक मिड टर्म गोल होता है, बट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो एक इमीडिएट गोल होता है, यू नो, दैट शॉर्ट टर्म प्लानिंग। एंड हमने किस तरीके से प्लानिंग की है, हमने किस तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हो,
तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है, बट सेम रिजल्ट के लिए कई दूसरे लोग भी कोशिश कर रहे होंगे। कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है हमारा जो प्लान था उनके मुकाबले थोड़ा इन्फीरियर रह गया, जो इंडिविजुअल थे हो सकता है दूसरे टीम के इंडिविजुअल्स ने बेटर परफॉर्म किया है, जिसके कारण आप जीत नहीं पाए या आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। Well, I try to keep it very simple. I'm somebody who lives in the present, so I don't think too much about the past or the future, but I've kept saying I take learnings from the past. Of course, you need to have goals for the future, but I know the most important thing is the present. Present pe jo main karta hu uska effect aap bol sakte ho aane wale future mein padta hai, so it's the most important thing. So aisi koi motivation ki zarurat nahi hoti, aas paas itne sare motivation hai, you know, aap khud apne aap ko motivation ho sakte ho, family ho sakti hai, पेरेंट्स हो सकते हैं, कंट्री हो सकती है, यू नो ऑल डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, तो मेरे लिए जो मोटिवेशन है हो सकता है वो दूसरे के लिए उतना रेलिवेंस ना रखती हो, तो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड आई फील फॉर मी यू नो कंट्री इज द बिगेस्ट और द मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। यू नो देयर इज वन सेइंग, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, सो डेफिनेटली आई एम स्ट्रॉन्गर। Yes, you know, there were times when we were under pressure, we had to win 4 out of 5 games or 3 out of 4 games. We have done it. But how do you know you are a strong character? Unless you are pushed to the deeper end, unless you have that pressure. You know, it's all well said, you know, when I'm sitting over here and saying something, okay, this should be done, this should be done. But when it comes to the action part, so I always say, why people say action speaks louder than words. These are the things, you know, we want everybody to do certain kind of things. But when it comes to us, we may or may not do the same thing. So that's why action is more important. So उस समय disappointed होने की जरूरत नहीं है, हम सबको खराब लगता है, which is a normal thing. But important है कि ये देखना कि गलती कहाँ पे हुई, गलती क्या हुई, क्या हम अपनी planning में थोड़ा tweak कर सकते थे जिससे ये गलती ना हो. We all commit mistakes. You know, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सब भगवान हो जाएंगे. The thing is, we have to be honest to ourselves. और साथ में चाहे आप एक सीनियर मैनेजमेंट लीडर हो या जूनियर हो, चाहे आप वर्कर हो, जो भी हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है, और जब आपसे गलती हो तो खड़े होके बोलना, हाँ ये मेरे से गलती हुई है। The bonding between me and CSK has been very strong. So the emotional part was coming back and now getting into the process of making the team. Then I don't think we'll be able to get caught. See, Rahane, Samson, KL Rahul. The more lefty doesn't matter. Yeah. More righty should be. Righty should be there. All of them, we should look at not more than 5 to 6 crores to begin with. It was exactly the kind of key that is needed. 2018 का IPL स्टार्ट हो रहा था, हम लोग जिस पोजीशन में खड़े थे, 2 साल का बैन था, बैन के बाद हम वापस आते हैं, काफी टफ फेजेस थे हमारे लिए, बट आई ऑलवेज सेड व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। ही केम बैक विद अ वेंजेंस टू विन द IPL। जो हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए थे उनके लिए भी एक जवाब था कि CSK इज बैक। इमोशनल मोमेंट था, यू नो, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम हम येलो में वापस फील्ड पे जाएंगे, हमने ये सोचा कि हम ये फैंस के लिए करेंगे। चपिच गेंद और बेहतरीन शॉट, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर। I've never hit one of those in my life. Tell them we are back. कुछ इस तरह से, लेकिन इस बार हवाई हुआ है फायर, एक बार फिर स्टैंड एंड डिलीवर। हमें जिस तरीके का रिस्पेक्ट चेन्नई के फैंस से मिला है, जिस तरीके का प्यार उनसे मिला, दैट इज इक्विवेलेंट टू हाउ दे ट्रीट गॉड। आई थिंक पर्सनली मुझे वही लगता है कि अगर आप कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हो और वो आप जीत रहे हो, तो उससे बड़ा रिवेंज और उससे बड़ा जवाब मुझे नहीं लगता आप मुंह से भी दे सकोगे। द परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटी, द एफर्ट इज, एंड वी शोड दैट, यू नो, वी आर विलिंग टू गिव मोर देन 100%।
think when we guys won the World Cup in Wankhede 2011, and all of them, they really work hard, and Gary, I think he led the team in a magic way, and credit goes to all the players, Sachin or MS Dhoni, including Gautam or Sehwag, Zaheer, everyone worked really hard, and especially the man who really pulled us for us, Yuvraj Singh. So I think overall we had a brilliant experience. And सचिन ने इतने सारे वर्ल्ड कप खेले, वो कभी नहीं जीते वर्ल्ड कप, तो आई थिंक वो स्पेशल था कि कोई भी ऐसी टीम नहीं थी. रिसेंटली अभी इंग्लैंड ने जीता, लेकिन हमारी फर्स्ट टीम थी जो होम ग्राउंड में वर्ल्ड कप जीती. तो आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी. मुरादनगर, आई बॉर्न देयर, एंड आई गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली, एंड फैमिली ऑलवेज एम्फसाइज ऑन स्टडीज. Magnificent sprint start. Magnificent strike into the ground. India lift the World Cup.